हाँ जी किसान वीरो सारयां नूं सति श्री अकाल स्वागत है तुहाडा एग्रीकल्चर इनफॉर्मेशन पंजाबी चैनल च मैं डॉक्टर गुरमिंदर सिंह बराड़ उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे त्यौहारां दा जिहड़ा दिन चल रहे है तो परमात्मा अग्गे अरदास है कि सारे किसान वीर तंदुरुस्त खुश खुशहाल रहन। तो अज दी वीडियो च आपां गल करांगे कि कणक दी फसल दी बिजाई समय जिहड़ी बीज दी डंगाई आ उह किन्नी होनी चाहीदी है, क्योंकि जिहड़ा फसल दा बूटियां की गिणती है, स्टैबलिशमेंट है, क्रॉप स्टैंड है, तो उदू बाद झाड़ है, वह बीज की डंगाई तो एक जमीन दे विच बिजाई समय सैल ये बड़ा निर्भर करता, क्योंकि जे शुरू दे विच ही जिहड़ी हैगी है फसल दे विच बूटियां की गिणती घट जाए तो मगरों आ के सीधा असर वह झाड़ पर पैंदा, चाहे आपां नूं उहदे बारे कई बार ध्यान भी नहीं रहिंदा इस गल दा, जिहदे विच आपां आम रवायती बिजाई करते हैं उदू बिना जीरो टिलेज नाल, सुपर सीडर नाल, हैप्पी सीडर नाल, PIU स्मार्ट सीडर जिहड़ा हुण नवां आया, उहदे विच बीज की डंगाई बड़ी इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है किसान वीरो। जे बीज डूंघा लग जाए तो पहला तो बीज की जिहड़ी एनर्जी आ बाहर निकलण ते लग जाती है, उदू बाद फसल नूं वाधा फल फुल्लण दे विच जिहड़ी हैगी है समस्या आउंदी है। इसे करके कई बार अपने जदों आपां आम जिहड़ी हैगी है रोटावेटर वगैरह ना जो बिजाई करते हैं तो उद्दे कई बार बीज जोड़ा आप ज़्यादा तो पाने कि जोड़ा बीज डूंगा चलिया जाता वो निकलता नहीं, जो बूटे कमज़ोर हो जाते निकलते निकलते वह पीले पै जाते हैं, कई बार ज़्यादा डूंगा बीज लग जाए तो उन्होंने रूट रॉट वगैरह की समस्या भी आ जाती है। सो जे आप बीज की डंगाई की गल करिए किसान वीरों, जे आप आम रवायती ढंग वाहन बना के उसकी बिजाई कर रहे हैं तो आप 4 से 6 सेंटीमीटर तक उन्होंने बीज में डूंगा ला सकते हैं, तकरीबन वध तो वध 2.25 इंच तक, तो वो बीज में निकलने कोई समस्या नहीं आती। एक जरूरी होर कि खेत के गिल सही होनी चाहिए किसान वीरों, जे कई बार जी खेत थले गिला हों पर उपर जो है सुक जाता वो भी आप कई बार कोशिश कर देंगे बीज थोड़ा डूंगा ला दीए तो उत्थे मॉइस्चर फट जाए, पर जी हैगी है जम्मण शक्ति ते उगण शक्ति ते फर्क जरूर पैंदा। सो खेत की गिल होनी बड़ी जरूरी है, उदू बाद जी ग्रेडिंग करके थोड़ा मैं दसिया मोटा बीज वधिया ग्रेड किया हुआ बीज ही आपां नूं वरतना चाहिए, क्योंकि वह जो उगण दे विच उच ज़्यादा जान हुंदी है, ज़्यादा एनर्जी हुंदी है, तो आराम नाल बाहर आ जाता। जे आपां गल करिए हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, PIU स्मार्ट सीडर, जां तुसीं रोटावेटर नाल बिजाई करदे तां इह किसे भी हालत दे विच 1.5 से 2 इंच तो जिहड़ा बीज डूंघा नहीं जाना चाहिए, जिहड़ा बीज जदों थले चलिया गया तो वो जिहड़ा हैगा जर्मीनेशन ते बाहर आउण ते फर्क बड़ा पैंदा है। कई जिहड़ियां पहलां भी देसी किस्मां सीगियां उन्हां दी कॉलीपल पटाई लेंथ जिहड़ी ज़्यादा हुंदी है, लंबी हुंदी है, तो उन्हां नूं खेत चों जे डूंघियां भी चलिया जाण कोई समस्या नहीं होंदी, पर जिहड़ियां हुण डबल डवार्फ वरायटियां आपां बीज रहे हां तो इहदे विच जिहड़ा कॉलीओपटाई लेंथ है वह घट हुंदी है, तो उहदे करके खेत चों उन्हां नूं उगण च समस्या आउंदी। सो इस करके तुसीं जिहड़ी आपदी मशीन है आपदा किसी भी ढंग नाल तुसीं बिजाई कर रहे हैं 1.5 से 2 इंच तो डूंघी आपां किसी भी हालत दे विच नहीं लाउणी, क्योंकि उहदे नाल जिहड़ी हैगी है खेत दे विच बूटियां दी गिणती घट सकती है तो उदू बाद आपां नूं समस्या आ सकती है। आम तौर पर भी आपां कई बार हैगा कि आपां बीज घट पाउणे, मान लो 32 किलो 35 किलो तक बीज पाउणे कि ज़्यादा संघना बीज नहीं लाउणा, तो उहदे विच इदों भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता कि बीज की डंगाई सही होवे, क्योंकि पहलां भी आपां बीज पूरा जरूरत अनुसार ही पा रहे हैं तो जे उहदे विचों भी कुछ बीज रह गए तो फिर अपनी फसल के उत्ते झाड़ के उत्ते जिहड़ा असर पैना यह संभव ही है। दूजा जिहड़ी बीज की सोध जरूर करो, आम तौर पर आपां इस चीज़ को अनकौलिया करते हैं, इहदे बारे मैं पहला वीडियो तुहाडे नाल सांझी कीती सी, जीवाणु खाद का टीका ला सकते तो वह बहुत वधिया गल है, उहदे नाल जिहड़ी हैगी है फसल में जमीन में भी ताकत मिलती है, फसल में भी ताकत मिलती है, तो झाड़ अपना एवें ही जिहड़ा हैगा 1.5 से 2.4% तक वध जांदा है, थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा 40-50 रुपए का जिहड़ा जीवाणु खाद का टीका वह हुंदा है। तो इदू बिना जे कोई होर जिहड़ा हैगा टॉपिक रह गया होवे, क्योंकि मेरा ख्याल है भी हुण तक मैं जिहड़े कणक बारे तकरीबन सारे विषय कवर कर लिया, इदू बाद जिहड़ी हैगी आपां स्प्रेयां बारे तत्तां बारे गल्लबात तुहाडे नाल सांझी करदे रहांगे, पर जे कोई तुहाडा होर सवाल है तो थल्ले कमेंटां दे रूप च जरूर दस दिया करो, कृपा करके जिहड़ी वीडियो पूरी सुणन उपरंत ही जिहड़ा हैगा सवाल करिया करो, क्योंकि आपां कोशिश करदे हां कि सारे टॉपिक आपां कवर कर दिंदे हां। सो इदू अगली वीडियो होर जानकारी लैके हाजिर होवांगे, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया, मेहरबानी किसान दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जी।